जांजगीर चांपा लोकसभा से भाजपा ने कमलेश जांगड़े को टिकट दिया है। वे पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। वर्ष 2005 से 2015 तक वह ग्राम मसनिया कला जिला शक्ति की सरपंच रही हैं। 2015 से 2020 तक भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा में विशेष आमंत्रित सदस्य रही। वर्तमान में शक्ति जिले से भाजपा महिला मोर्चा की वे अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जांजगीर चांपा से अपनी उम्मीदवारी पर भाजपा नेता कमलेश जांगड़े ने कहा, मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं पीएम मोदी, जेपी नड्डा, सीएम विष्णुदेव साय और अन्य वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास के संकल्प को जरूर पूरा करूंगी। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से बूथ के कार्यकर्ता को से करते करते मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ, जेपी नड्डा, अमित शाह जी को और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय जी को, रमन सिंह जी को, किरण देव जी को, पवन साय जी, सभी मेरे वरिष्ठों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को आज मौका मिला है। इसके लिए काम के आधार पर जीतेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत सारी योजनाओं को लेके आए हैं, उस योजनाओं को हम जमीनी स्तर पर लेके जाएंगे। सबके सबका साथ सबका विकास, हमारे मोदी जी का जो संकल्प है उसको निश्चित ही पूरा करेंगे। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उस छोटे से एक गाँव की रहने वाली बूथ स्तर से जो कार्यकर्ता है आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ।